बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आने वाले मज़ीद 7 से 8 रोज़ के दौरान जुम्मा 31 मई और जून के पहले हफ्ते के दौरान मुल्क भर का मौसम कैसा रहेगा, जबकि मुसलसल खुश्क मौसम और गर्मी की लंबी लहरों के बाद मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तूफ़ानी आंधियाँ चलने, मिट्टी का तूफ़ान चलने और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशों और बाज़ इलाकों में ज्वालाबारी के हवाले से बड़ी अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लेकिन गुजारिश करता हूँ, मौसम की हर अपडेट से बाखबर रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें, बहुत शुक्रिया। ताज़ा तरीन मौसमी सूरत हाल के मुताबिक आने वाले मज़ीद 2 से 3 रोज़ के दौरान भी मुल्क के ज़्यादातर इलाकों में मौसम खुश्क और शदीद गर्म रहेगा। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाके मज़ीद 2 से 3 रोज़ तक शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। ताहम नाजरीन, लंबा अरसा खुश्क मौसम रहने के बाद जुम्मा 31 मई और जून के पहले हफ्ते के दौरान भी कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई, खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के ज़्यादातर शुमाली पहाड़ी इलाकों में तो तूफ़ानी बारिशों का इम्कान, जबकि जुम्मा 31 मई से 1 और 2 जून के दौरान ही मरी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, नारोवाल, सियालकोट, गुजरांवाला, गुजरात, लाहौर, झेलम, हाफजाबाद, उकाड़ा, ननकाना साहब और सहीवाल डिवीज़न समेत शुमाली, मगरबी और वस्ती पंजाब के बाज़ इलाकों में भी आंधियां चलने और गरज चमक के साथ कहीं कहीं बारिश और ज्वालाबारी का इम्कान, जबकि 3 जून से 7 जून के दौरान ज़्यादातर ताकतवर मगरबी सिलसिले और परी मानसून हवाओं के ज़ेर असर कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई, खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के तमाम शुमाली पहाड़ी इलाकों में पिशावर, मर्दान, सवाबी, हरीपुर, दीर, चित्राल, स्वात, बनू, कुहाट, एबटाबाद समेत सुबह खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में और मरी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, खिता पोटवार, अटक, झेलम, चकवा, नारोवाल, सियालकोट, गुजरांवाला, गुजरात, लाहौर, झेलम, हाफजाबाद, मियांवाली, खुशाब, फैसलाबाद, सरगोधा, उकाड़ा, सहीवाल, आरिफवाला, ननकाना साहब, कसूर, झांग समेत सुबह पंजाब के मुख्तलिफ बालाई, वस्ती और इंडियन बॉर्डर से मुलहिका मगरबी अजला में तूफ़ानी आंधियां चलने और गरज चमक के साथ तूफ़ानी बारिशें और ज्वालाबारी का इम्कान। इस दौरान जनूबी पंजाब और सूबा सिंध और बलोचिस्तान के ज़्यादातर इलाकों में मौसम बिल्कुल फ़िलहाल किसी बारिश का कोई इम्कान नहीं, मौसम बिल्कुल खुश्क रहेगा।